बॉलीवुड में एक जमाने में जितेंद्र की काफी चर्चा होती थी। बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र के बारे में कहा जाता था कि एक ऐसे अभिनेता है जो कि हमेशा विवादों में रहकर भी विवादों से दूरी बनाते रहे। आज हम आपको बताना चाहेंगे जितेंद्र की जिंदगी का वो काला सच। जी हाँ, जितेंद्र बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ एक बार ऐसा इल्ज़ाम उन पर लगाया गया, ऐसी आवाज़ उठी उनके खिलाफ कि लोग चौंक गए, उनके फैंस चौंक गए। साल 1971 की बात है। हिमाचल पुलिस में उनके कज़न ने एक केस फाइल किया था, कंप्लेन किया गया था और फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक फॉरवर्ड किया गया था उस कंप्लेन को। विक्टिम की कंप्लेन की माने तो माना गया था ऐसा कि 18 ईयर ओल्ड एक विक्टिम ने ये कहा था कि उस वक्त 28 साल के जितेंद्र ने कुछ ऐसा किया जो सोचा नहीं। रवि कपूर, जिस जितेंद्र का नाम था, उनके लिए कहा गया, आई न्यू रवि कपूर नोन बाय द स्टेज नेम ऑफ जितेंद्र एज ही यूज टू विजिट अस एट दिल्ली फॉर फैमिली गैदरिंग्स, दो आई डिडंट मीट हिम पर्सनली। इट वॉज इन 1971 व्हेन द एक्टर अप्रोच्ड माई फादर एंड आस्क्ड हिम वेदर आई कुड ज्वाइन हिम फॉर अ फिल्म शूट इन शिमला। यही कहकर उस विक्टिम ने आगे कहा कि शिमला, दिल्ली से वो शिमला लेकर आए और होटल रूम में वो रहे, सेपरेट बेड में वो रहे, लेकिन वो किस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार किए उसे वो नहीं भूल सकते हैं। जी हाँ, बहुत गलत तरीके का उनका व्यवहार था, ये कहना था उस विक्टिम का जितेंद्र को लेकर। कहा जाता है कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हुए थे जितेंद्र इस इल्ज़ाम को लेकर। मी टू कंपेन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उनका नाम खड़ा हुआ था। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तृप्ति।